वैसे नाशिया, समझ से बालातर है कि खुशी मनाने का ये कौन सा अंदाज है कि फायरिंग की जाए और लोगों को हिरासा करने के साथ साथ जख्मी भी किया जाए। खबर और भी है कि न्यू ईयर नाइट पर हवाई फायरिंग के बाद सरकारी अस्पतालों में 34 जख्मी जेर इलाज हैं। हवाई फायरिंग से एक बच्चा और एक खातून भी जख्मी हुए हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदे बिलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, आगाह कीजिएगा, कितने जख्मी जो हैं सरकारी अस्पतालों में लाए गए हैं और उनकी हालत कैसी बताई जाती है? जी बिल्कुल, न्यू ए नेट पर एक दफा फिर कानून की खुलम खुला खिलाफवर्जी की गई और सरकारी अस्पताल में गोली लगने से 34 जख्मी अफराद जो है वो लाए गए थे, जिसमें हवाई फायरिंग से जख्मी होने वाले 11 अफराद न्यू हॉस्पिटल में, 8 अफराद को जनरल हॉस्पिटल और जिना अस्पताल में 7 अफराद को लाया गया। हवाई फायरिंग के नतीजे में एक बच्चा और एक खातून भी जो है वो जख्मी हुए थे। गोली लगने से गंगाराम अस्पताल में 2 जबकि सर्सिस अस्पताल में 4 अफराद जो है वो जख्मी हालत में लाए गए थे। हवाई फायरिंग के नतीजे में जख्मी होने वालों की हालत जो है वो खतरे से बाहर है और कई लोगों की जो वो माइनर जो ऑपरेट थे वो रात को ही सर्जिकल एमरजेंसी में कर दिए गए। जो मामूली जख्मी थे होने वाले बेशतर अफराद को रात को डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि जो क्रिटिकल जो कुछ पेशेंट है वो अभी भी जेर इलाज है। इस हवाले से जो लोग जो जख्मी हुए थे उनके लवाहिकीन का कहना था कि ये जिसमें अक्सर जो जख्मी हुए वो राहगीर है या अचानक उनको बोलिए। बिलाल चौधरी अपडेट करने के लिए।